नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 10 में। मैं हूँ योगिता सिंह। आइए करते हैं शुरुआत धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ। 27 अगस्त से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में चल रही श्री शिव महापुराण अमर कथा आज हुई संपन्न। इस कथा में बाल योगी महामंडलेश्वर आचार्य श्री स्वामी सत्यात्मानंद गिरिजी महाराज ने अपने प्रवचनों के जरिए भगवान शिव की महिमा का किया गुणगान। 1 सितंबर से वृंदावन उत्तर प्रदेश में चल रही श्री राधाष्टमी कथा का आज हुआ समापन। इस कथा में श्रद्धेय हित अम्बरीश जी ने अपनी अनूठी शैली से लोगों को दिखाया मोक्ष का मार्ग। श्री हित आश्रम सत्संग भूमि श्री वृंदावन धाम में चल रही श्री भक्तमाल कथा आज हुई संपन्न। 1 सितंबर से चल रही इस कथा में परम पूज्य गौरदास जी महाराज ने ईश्वर के सच्चिदानंदमय स्वरूप का किया बखान। आज वृष भानु मंदिर बरसाना में हुआ भजन संध्या कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में भजन गायक JSR मधुकर जी ने अपने भजनों से लोगों में जगाई भक्ति की अलग। 9 सितंबर से परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज अहमदाबाद में सुनाएंगे रास पंचाध्यायी कथा। 13 सितंबर तक चलने वाली इस कथा में अपने प्रवचनों के माध्यम से श्री कृष्ण और गोपियों के बीच होने वाली लीलाओं का करेंगे वर्णन। परम श्रद्धेय संत श्री मुरलीधर जी महाराज 18 सितंबर से उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में सुनाएंगे श्री राम कथा। 26 सितंबर तक चलने वाली इस कथा में अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे धर्म का मार्ग। बद्रीनाथ धाम में 20 सितंबर से शुरू होगी श्रीमद् भागवत कथा। 26 सितंबर तक चलने वाली इस कथा में परम श्रद्धेय आचार्य रामानुज जी महाराज अपने प्रवचनों से लोगों के ज्ञान भक्ति और वैराग्य को सक्रिय करने का करेंगे प्रयास। 21 सितंबर से जोधपुर राजस्थान में आयोजित होगी श्री राम कथा। 27 सितंबर तक चलने वाली इस कथा में साध्वी श्रेया भारती जी अपनी सुमधुर वाणी से लोगों में जगाएंगी भक्ति की अलग। योग और आयुर्वेद के प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के विभिन्न कार्यकलापों और शिविरों का प्रसारण देखिए हर रात 9 बजे सिर्फ संस्कार पर। आयुर्वेद से जुड़ी रोचक बातें और जड़ी बूटियों द्वारा रोगों से छुटकारा पाने के सरल और आसान उपाय जानिए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के आसान नुस्खों में प्रतिदिन संस्कार और सत्संग पर। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। धर्म और आध्यात्म जगत के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर आप अपने सुझाव और अपने आसपास होने वाली धार्मिक गतिविधियों की जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर भेज सकते हैं, जिन्हें हम शामिल करेंगे भक्ति टॉप 10 में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे लेकर धर्म और आध्यात्म जगत की 10 बड़ी खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।